दोस्तों 27 सितंबर 2023 को नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब ठीक 5 महीने के बाद 27 फरवरी 2024 को कुशल मल्ला के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को उन्हीं की टीम के खिलाफ नामीबिया के बल्लेबाज जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ने तोड़ दिया है। जी हाँ, जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ने नेपाल के खिलाफ आंधी की तरह बल्लेबाजी की और महज 33 गेंदों में शतक ठोक दिया। नेपाल के कुशल मल्ला ने मंगोलिया के खिलाफ एशियन गेम्स 2023 में 34 गेंद में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया था। अब नेपाल के खिलाफ नामीबिया के जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे तेज सेंचुरी जड़ दी है। बता दें कि जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ने महज 33 गेंदों में अपना ये शतक बनाया है। इस पारी में जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ने 11 चौके और 8 छक्के जड़े और इतिहास को पलट कर रख दिया। बता दें इस पारी में जैन निकोल लॉफ्टी 101 रन बनाकर आउट हो गए और इस दौरान उनका जो स्ट्राइक रेट था वो था 280.56 का। वेल, इस बड़ी पारी के साथ ही जैन निकोल लॉफ्टी ने अपनी टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाने का भी काम किया। साथ ही वो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ना बहुत ही बड़ी बात है। वेल दोस्तों, अगर फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरी ठोकने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जॉन निकोल आ चुके हैं, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ खेलते हुए मात्र 33 गेंदों में अपनी सेंचुरी जड़ी है। तो वहीं नंबर 2 पर है कुशल मल्ला, जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं और 34 गेंदों में इन्होंने अपना शतक जड़ा था। डेविड मिलर है 3रे नंबर पर, जिन्होंने 35 गेंदों में अपना शतक बनाया था। तो वहीं 4थे नंबर पर है रोहित शर्मा, जिन्होंने 35 बॉलों में। तो वहीं 5वें नंबर पर सुदेश विक्रम शेखर है, जिन्होंने 35 गेंदों में अपना शतक बनाया था।